स्मृति ईरानी जो महिला विकास मंत्री हैं, उनका व्यवहार देखा आपने? उनका व्यवहार, ताड़का का नाम सुना है आपने कभी? ताड़का, रामचंद्र जी के समय में एक ताड़का हुआ करती थी, मैं तो ताड़का तड़तड़ तड़ा तड़ताड़ करती हूँ, तुम सही से पुरुषों का संहार करती हूँ। वो संहार कर रही है किसका? जो मोदी के खिलाफ जाए, जो मोदी के खिलाफ बात करे। क्या रिश्ता है मोदी से उसका? दिहाड़ी कौन देगा? दिहाड़ी कौन देगा? 500 रुपये कौन देगा मुझे साथ चलने के लिए? 500 रुपये पर अपनी 5 साल के अधिकार बर्बाद कर देते हैं। ये जनता तो सबसे बड़ी अंधी है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। हमारे साथ चरणजीत सिंह जी हैं, जो समाज की सेवा करते हैं और सड़कों पे रहते हैं। चाहे मुद्दा महिला पहलवानों का हो, चाहे मुद्दा मणिपुर का हो, बेझिझक बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं मणिपुर की घटना को आप? देखिए, मणिपुर में अभी जो हो रहा है जी, ये मणिपुर में अब हो रहा है, लेकिन इससे पहले इस तरह लोगों को आपस में लड़ाने की जो राजनीति है वो भारत के लिए नई नहीं है। इससे पहले ये काम जब देश के टुकड़े हुए तब भारत और पाकिस्तान सरकार ने किया था, लड़ाने का काम, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया था, और लाखों लोग तब मारे गए थे और आज भी वो राजनीति चल रही है। उसके बाद ये काम कांग्रेस ने किया, जब 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया सरकार के द्वारा, गुंडे छोड़कर कत्लेआम कराया गया था ये कांग्रेस के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, और इंदिरा गांधी के द्वारा इसी प्रकार हरमंदर साहब पर हमला किया गया था। उसके बाद यही काम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया। गुजरात में वहाँ पर हिंदू और मुसलमान के झगड़े फैलाए गए और वहाँ पर राजनीति की गई, और उससे उसी राजनीति से उसकी पैदाइश है। नरेंद्र मोदी गुजरात की जंग की लड़ाई की पैदाइश है, इनकी राजनीति ही वहीं से पैदा हुई। क्योंकि सर एक सवाल ले लीजिए, क्या भारत की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि वोट की खातिर जनता की खून के प्यासे हो चुके हैं राजनेता? बिल्कुल सही कहना चाहेंगे आप, बिल्कुल सही कहा कि जो पॉलिटिशियन है वो जनता के खून के प्यासे हैं, और वो जनता का खून निकाल निकाल के ये कह देते हैं कि हमने ये खून इसलिए निकाला क्योंकि इन्होंने हमारा खून निकाला था, तो उसको ये राजनीति में ले जाते हैं, ये राजा बन जाते हैं कि भाई हम राजा हैं, पहले के राजा ने हमारे साथ जुल्म किया था, हमने उस जुल्म का बदला लिया। और बदला किससे लिया जाता है? जनता से। ऐसा नहीं होता कि राजा का बदला राजा से होता है, ये जनता से बदला लेते हैं। और यही बदला अब ये जो बीरेन सिंह है, जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का, वो भी मोदी जैसी राजनीति करना चाहता है, वो भी इंदिरा गांधी जैसी राजनीति करना चाहता है कि वहाँ पर ईसाइयों और हिंदुओं को लड़ा रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन बहुल थे, जो मैती और कुकी हैं, एक क्रिश्चियनवादी हैं और एक हिंदूवादी हैं, पहले ये लोग मिलकर रहते थे। और सबसे पहले जो भारत का झंडा है वो मणिपुर में फहराया गया था, और पहला बीजेपी का सांसद भी मणिपुर ने दिया था बीजेपी को, लेकिन ये बीजेपी वहाँ पर मणिपुर पर इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। 90 दिन हो चुके हैं इंटरनेट बंद कर रखा है, और वहाँ की जो भी बात है वो पता ही नहीं चलती। ये जो वीडियो वायरल हुआ 2 महिलाओं का, इस वीडियो के बारे में जब मीडिया ने सवाल पूछा बीरेन सिंह से मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री ने बोला कि यहाँ पर इस प्रकार के हजारों केस होते हैं, हजारों FIR हैं, हम किस किस पर ध्यान दें? इसका मतलब उसको पहले से पता था। उससे पहले जब दिल्ली के, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो वहाँ पर गए, वो क्या देख के आए वहाँ? वहाँ पर भी उन्होंने देखा इंटरनेट बंद था, उनको ये सब पता था कि यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी राजनीति ही शुरू कहाँ से हुई थी? गोधरा से, हत्याकांड से, तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि हम इसलिए चुप रहे क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर चुप रहे हैं, जो मणिपुर में हो रहा है ये उसका प्रतिवाद है। आप ये देखिए, क्या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में 80 दिन से इंटरनेट बंद है? क्या वहाँ पर इंटरनेट बंद है? क्या वहाँ पर इस तरह महिलाओं को नग्न करके परेड कराई गई है? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये बोला है कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार के केस हो रहे हैं? एक बार भी नहीं बोला।
सर एक सवाल ले लीजिए, आज आपने खबर देखी होगी कि इंडिया के 20 सांसद मणिपुर जा रहे हैं, क्या इसमें भी राजनीति है विपक्ष की? वो 24 का वोट आ रहा है, क्या राजनीति इसमें आपको नजर आ रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए राजनीति, राजनीति काहे की होती है, राज करने की नीति, उसको बोलते हैं राजनीति। अब चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब राजनीति करते हैं। मैं 1947 से लेकर अगर अभी तक देखूं तो मैंने देश नीति कहीं नहीं देखी, मैंने जन नीति कहीं नहीं देखी, मैंने संविधान का पालन कहीं नहीं देखा, मैंने सिर्फ राजनीति देखी है। जो भी सत्ता में होता है वो सत्ता को बचाने की कोशिश करता है, उसने जनता के लिए आज तक कुछ नहीं किया। देखिए हम, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, वो सामने एक कुत्ता पड़ा है, आप उसको रोटी देंगे ना तो वो आपके साथ वफादारी करेगा। हम आम जनता का पैसा खाते हैं ये लोग, सभी नेता चाहे जितने मर्जी प्रधानमंत्री अब तक के हुए हैं, वो सब हमारा टैक्स का, ट्रेजरी का पैसा खाते हैं, तनख्वाहें खाते हैं, पेंशनें खाते हैं, लेकिन वफादारी किसकी करते हैं? वो किसी की वफादारी नहीं करते। वो वफादारी अगर करते हैं तो अपनी कुर्सी की वफादारी करते हैं, सत्ता की वफादारी करते हैं, उनसे बेहतर है हमारे ये। एक तरह से आप गाली दे रहे हैं। नहीं गाली नहीं दे रहे, गाली बहुत छोटा लफ्ज है इनका, इनके लिए। अगर असंख्य गालियों की एक गाली बनाई जाए, असंख्य गालियों की एक गाली बनाई जाए और वो असंख्य बार दी जाए तो भी इनके लिए कम है। क्या भारत के नेता राजनेता इतने गिर चुके हैं? बिल्कुल ये बहुत गिरे हुए हैं, इनसे किसी भी प्रकार की कोई भी उम्मीद रखना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अगर आप किसी नेता से कोई उम्मीद रखते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, आप इनसे कोई उम्मीद मत रखिए। अपने अधिकारों के प्रति सजग होइए, पढ़िए लिखिए, संविधान को पढ़िए। और अगर आज देखिए जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हर बात उठा रहे हैं, 100 मोटो ले रहे हैं, इससे पहले इस तरह का 100 मोटो भी किसी ने नहीं लिया, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उस परमपिता परमेश्वर की प्रकृति का जिसने इस तरह का CGI हमें दे दिया, जो 100 मोटो लेने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी जो है करोड़ों उसके खिलाफ ट्वीट कर देती है CGI के खिलाफ। इसका मतलब CGI कुछ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के आर्डरों को ये लोग धत्ता बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को भारत के अफसर कभी पूरा करने की कोशिश नहीं करते, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए अपनी भाड़ में, हम तो वो करेंगे जो हमारा हमें अच्छा लगता है। आप देखिए जब दिल्ली का अध्यादेश लागू जारी किया गया अरविंद केजरीवाल वाला, मैं ये नहीं कहता अरविंद केजरीवाल भी बहुत अच्छा लीडर है, मैं लीडर किसी को भी अच्छा नहीं मानता, लेकिन आप ये देखिए अध्यादेश वो सुप्रीम कोर्ट का था, तो सुप्रीम कोर्ट पर धत्ता दिया वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अब आप ये देखिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रतिरोध गतिरोध चल रहा है, सबको दिख रहा है। स्मृति ईरानी जो महिला विकास मंत्री हैं, उनका व्यवहार देखा आपने? उनका व्यवहार, ताड़का का नाम सुना है आपने कभी? ताड़का, रामचंद्र जी के समय में एक ताड़का हुआ करती थी, मैं तो ताड़का तड़ तड़ तड़ा तड़ ताड़ करती हूँ, तुम सही से पुरुषों का संहार करती हूँ। वो संहार कर रही है किसका? जो मोदी के खिलाफ जाए, जो मोदी के खिलाफ बात करे। क्या रिश्ता है मोदी से उसका? स्मृति ईरानी को आप ताड़का बता रहे हैं? ताड़का बता रहा हूँ, ताड़का का गाना भी बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी महाराज ने ताड़का का वध किया, किया कि नहीं किया आप बताइए, किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? और कृष्ण जी महाराज ने किसका किया? पूतना धाय का वध किया कि नहीं किया? श्री कृष्ण जी महाराज ने पूतना धाय का वध किया कि नहीं किया आप बताएं? और जब द्रौपदी की लाज उतारी गई महाभारत में तो क्या हुआ? युद्ध हुआ, संसार का सबसे भयंकर युद्ध हुआ। अभी दो औरतों की लाज उतारी गई, युद्ध नहीं होगा? होगा, कुदरत भी कोई चीज है। कृष्ण जी देख रहे हैं, श्री रामचंद्र जी महाराज देख रहे हैं, औरत का अपमान हो रहा है, युद्ध होगा। लेकिन युद्ध किसका होगा? अच्छाई और बुराई का होगा। अच्छाई जीतेगी, बुराई हारेगी। वो बुराई कहीं भी खड़ी हो, चाहे वो मोदी के घर में खड़ी हो, चाहे वो किसी और के घर में खड़ी हो, बुराई हारेगी। और जहां बुराई पर महिलाओं की लाज, की लाज रखने के लिए स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए था, वो नहीं बोली। दो दल बन तो गए, इंडिया वर्सेस इंडिया, दो दल बन गए। इससे हमारा क्या फायदा होगा, आपका क्या फायदा होगा इससे? आप ये देखिए इंडिया का जो नाम हम कह रहे हैं, 11 प्रदेशों में उनकी सरकार है कि नहीं है बताइए? तो क्या 11 प्रदेशों में बेटी की इज्जत की रखवाली हो पा रही है? 1947 से लेकर कांग्रेस की जहां पर गवर्नमेंट थी वहां पर हो पा रही है क्या? ये दोनों एक जैसे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई, ये सब चोर हैं।
चाहे वो भेष बदल लेते हैं। आप देखिए, जिन चीज़ों का नरेंद्र मोदी विरोध किया करते थे, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई वही सब चीज़ें अपना ली। कभी कुछ उसका कभी कोई उसका, आप जिसको चोर बता रहे हैं वही कट्टर ईमानदार वही लोग बताते हैं। कौन बताता है? जो खुद चोर हैं। अली बाबा 40 चोर, तो 40 चोर कभी अली बाबा को गलत बताएंगे? आप बताइए, जो अली बाबा है उसको कभी 40 चोर गलत बताएंगे? आप बताएं, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, अली बाबा को 40 चोर कभी गलत बताएंगे? मोदी जी तो अपने आप को कहते हैं चौकीदार हूँ, गरीब का बेटा हूँ। गरीब का बेटा तो था पर डकैत बन गया। गरीब का बेटा अपने घर से सोने के जेवर चुरा के भाग गया, डकैत बन गया। अगर वो गरीब का बेटा था तो मेहनत करता, टोकरी उठाता, ठीक है, दूध बेचता, ब्रेड बेचता, अंडे तो बेचता, तो बेचता। झूठ बोलता है, चाय बेची नहीं, झूठ बोलता है। अगर चाय बेची होती तो उसके मन में, देखिए एक पिता होता है, आप भी बेटी हैं, मैं भी पुत्र हूँ किसी का, मैं पिता भी हूँ। एक पिता को बेटी का दर्द पता होता है, पत्नी का दर्द पता होता है, बाप का दर्द पता होता है, भाभी का, भतीजों का, सबका दर्द पता होता है। इस आदमी का परिवार ही नहीं है, इसको दर्द काहे का? जनता खुशहाल है, राशन मिल रहा है, एकदम माला माल है, जनता खुशहाल है। अगर ये जनता खुशहाल है, दो नंगी औरतें, मुझे माफ करे परमात्मा, वो खुशहाल थी? जिनके अंगों पर हाथ लगाए जा रहे थे वो खुशहाल थी क्या? वो खुशी से कर रही थी वो सब? और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार और वहाँ पर बीरेन्द्र सिंह की सरकार, ये सरकार है कि नहीं है? तो वो खुश हैं क्या? आप बताएं, वो खुश हैं? यहाँ पर आपको 3600 लोग मिल जाएंगे भीख मांगते हुए, खुश हैं क्या? उनको रोजगार देना किसका ड्यूटी है? हम सड़कों पर जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं भीख मांगते हुए, वो खुश हैं क्या? आप बताएं, क्या जिम्मेदारी नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार टू दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, कहाँ है टू दी पीपल, कहाँ है बाय दी पीपल, कहाँ है फॉर दी पीपल, बताएं हमें, ये मोदी बताए। मोदी ये कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, चौकीदार हूँ। अरे चौकीदार ने तो चोरी करी है, सारे संस्थान बेच दिए। जो सामरिक संस्थान थे उनका, देखिए नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल दिया, नीति आयोग कर दिया। तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया, फर्क क्या पड़ा? बंदे वही हैं, हो वही रहा है, ना नीति चेंज हुई ना प्लानिंग चेंज हुई। 1947 से जिस तरह जनता को मारा जा रहा है उस तरह अभी ये गोरखालैंड वाले गोरखा वाले मांग रहे हैं, वो केरल के आ रखे हैं, वो वहाँ के माइनॉरिटी वाले आ रखे हैं। जंतर मंतर पर देखिए, ये सैनिक बैठे हैं कितने सालों से अपनी डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये सबके अधिकार पूरे हो रहे हैं क्या? इस देश में अधिकार पूरा होता है चौकीदार, गुंडे का, चोर का। अब देखिए चोरी करने का पता किसको होता है? वो पता होता है चौकीदार को, क्योंकि चौकीदार सब देखे रहता है, कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, तो वो मौका देखता है तो फिर चोरी करता है। उसकी चोरी का पता ही नहीं चलता। कई बार ये बुजुर्ग कहा करते हैं कि घर के चोर का पता नहीं चल सकता, क्योंकि वो कब चोरी करेगा, कैसे चोरी करेगा, क्या चोरी करेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो असल में ये जो चौकीदार है ना, यही चोर है। एक आखिरी सवाल बता दीजिए आप, 24 में कौन आ रहा है और जनता कैसे समझ पाएगी कौन ईमानदार है और कौन चोर है? देखिए जनता के मुंह पे ना काला चश्मा लगा हुआ है, मुझे माफ करिएगा, हम किसी से बात करते हैं ना, चलिए कहीं चलते हैं, दिहाड़ी कौन देगा, दिहाड़ी कौन देगा, 500 रुपए कौन देगा मुझे साथ चलने के लिए? 500 रुपये पर अपनी 5 साल के अधिकार बर्बाद कर देते हैं। ये जनता तो सबसे बड़ी अंधी है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ताइवान के कुछ लोगों से जब पूछा गया कि तुम भारतीयों से नफरत क्यों करते हो, ताइवान के लोगों से जब भारतीयों द्वारा पूछा गया कि तुम भारतीयों से नफरत क्यों करते हो, तो उन्होंने बोला कि जलियांवाला बाग में जिन लोगों ने गोली चलाई थी जनरल डायर के आर्डर से, तो वो जनरल डायर की तरफ भी तो बंदूक कर सकते थे, उन्होंने जनरल डायर की तरफ बंदूक क्यों नहीं करी? इसका मतलब वो सब गद्दार थे। अगर वो जनरल डायर की तरफ बंदूक कर देते तो वो निहत्ते बेकसूर ना मारे जाते और उद्धम सिंह को, जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके ना मारना पड़ता। तो हमारे देश की जो जनता है, मुझे माफ़ करिएगा, वो खुद ही अंधी है।
तो आप लोग आप लोग देख सकते हैं बेहद ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या मुद्दा 2024 के इलेक्शन का हो। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।